अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शान गोबल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मैं तुम्हारे पिताजी की कंपनी में एक मामूली सा क्लर्क हूं। एक गरीब धनवान की बेटी को अपनाने का फैसला कैसे कर सकता है? ये नहीं हो सकता दीपा, तुम समझते क्यों नहीं? सिर्फ अपनी जय जयकार के लिए लाखों इंसानों को बेवजह मौत की आग में झुलसाने वाला भगवान नहीं हो सकता। और अगर आप उसी भगवान के कट्टर भक्त हैं तो आप भी ढोंगी हैं, निर्दयी हैं, स्वार्थी हैं। दोस्तों, कुछ हीरोज अपनी रोमांटिक फिल्मों से जाने जाते हैं और कुछ हीरोज अपनी एक्शन फिल्मों से जाने जाते हैं। कुछ हीरोज अपनी डांस की फिल्मों से जाने जाते हैं और कुछ हीरोज अपनी कॉमेडी फिल्म से जाने जाते हैं। लेकिन आज जिस हीरो की बात मैं करने वाला हूं वो अपनी हॉरर फिल्मों की वजह से जाने जाते हैं, और वो हैं द वेरी टैलेंटेड स्मार्ट जावेद खान। मैं विकास नहीं हूं, मैं आनंद हूं। आनंद? तो जैसी बेवफा पत्नियों का कातिल हूं मैं। व्हाट रबिश! आत्मा आत्मा आत्मा, ये आत्मा क्या आकर तुम्हारे कान में खजाती कि मैं उसका खून करने जा रही हूं? ये काम किसी इंसान का भी तो हो सकता है। एक तुम रहो, एक हम रहे, एक तुम रहो, एक हम रहे, औरों का कट जाए तत्काल। 24th March 1962 में पैदा हुए थे जावेद खान भोपाल में, एक मुसलमान खानदान में। उनके वालिद अपने वक्त के मशहूर क्रिमिनल लॉयर थे और उनका नाम था मोहम्मद याकूब खान। जावेद खान की मां का नाम था रईसा बेगम और वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। जावेद खान के एक भाई भी थे और उनका नाम था मोहम्मद खालिद खान। जावेद खान ने अपने स्कूल की पढ़ाई की भोपाल में कैंपियन स्कूल से। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और अपने स्कूल के टॉपर थे और स्कूल के प्लेज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। स्कूल के बाद वो आगे की पढ़ाई करने मुंबई आ गए और सेंट जेवियर्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और वो कॉलेज की फंक्शंस में भी हिस्सा लिया करते थे। उन्हीं दिनों मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एड फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने जावेद को स्पॉट किया और फौरन अपनी एजेंसी में यानी लिंटाज में उन्हें मॉडलिंग की ऑफर दे दी। जावेद खान ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली और कई बड़े बड़े एड कैंपेन्स किए, और देखते देखते जावेद खान एक सुपर मॉडल बन गए और कई फैशन शोज भी किए। मॉडलिंग में कामयाब होने के बाद अब जावेद खान फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूना में FTII ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग का कोर्स शुरू कर दिया। जावेद खान बहुत लकी थे, उन्हें FTII के दौरान ही अपनी पहली फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था अपराधी कौन, जो आई थी 1982 में, और ये थ्रिलर फिल्म थी। अच्छा, अब समझ में आया, तो आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मेरी गलती नहीं, आपकी चाल थी, लेकिन शायद आप ये भूल रही हैं कि अपनी चाल में खुद फंसकर अपने आप को बर्बाद कर सके। मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। अपराधी कौन में जावेद खान का काम लोगों को बहुत पसंद आया और इसके बाद जावेद खान ने एक अनोखी फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था चंबल के डाकू, और इस फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म में दो असली डाकुओं ने काम किया था, अपना रोल पोर्ट्रे किया था, और उनके नाम थे मोहर सिंह और माधो सिंह। चंबल के डाकू कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसके बाद जावेद खान की पहली फिल्म यानी अपराधी कौन के डायरेक्टर मोहन भाकरी ने जावेद खान को एक फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म का नाम था चीख, जो आई थी 1985 में, और ये एक हॉरर फिल्म थी। लो देख लो, यहां तो कोई भी नहीं है। मगर वो अभी अभी यही था। Oh, don't talk rubbish, दीपा। दुनिया से जाने वाले लोग यहां पर पियानो नहीं बजाया करते। मगर सुनील, तुम्हारा यकीन क्यों नहीं करते? ये फिल्म यानी चीख हिट हो गई, और जब कोई फिल्म हिट हो जाती है तो हीरो या हीरोइंस को एक ही जैसी फिल्में मिलती हैं। जावेद खान के साथ भी यही हुआ। इस फिल्म के बाद उन्हें सिर्फ हॉरर फिल्में ही मिली, और वो फिल्में थी खून की प्यासी, रूहानी ताकत, कब्रिस्तान और कफन। रॉकी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। रॉकी, मुझे बचा लो। माइक,
इसी बीच जावेद खान ने कुछ सोशल फिल्में भी साइन कर ली और वो फिल्में थी इंतकाम के शोले, पांच फौलादी और जख्मी इंसान। नए घर में और नए लोगों के बीच जाकर पहले पहले गीता को अटपटा जरूर लगेगा उस्ताद जी, लेकिन धीरे धीरे रम जाएगी। लेकिन अफसोस ये फिल्में नहीं चली, इसलिए जावेद खान ने हॉरर फिल्मों में काम करना जारी रखा और लगभग 50 फिल्मों में काम किया। जावेद खान ने फिल्मों के साथ साथ कई बड़े बड़े टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया और उन्हें खूब कामयाबी मिली, और वो सीरियल्स थे युग, बेताल पच्चीसी, द जी हॉरर शो और चंद्रकांता। इसकी एक खास वजह है गणपति देवता। कौन वजह कहते? बद्रीनाथ ने एक बार मेरी। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ जावेद खान को काम मिलना कम हो गया, क्योंकि फिल्मों का दौर बदल रहा था और हॉरर फिल्में बहुत कम बन रही थी। इसलिए जावेद खान अपने घर वापस भोपाल चले गए और वहां जाके उन्होंने एक एक्टिंग एकेडमी खोली ग्लैमर जोन के नाम से। जावेद खान भोपाल में अपना एक एनजीओ भी चलाते हैं स्कड के नाम से, यानी SCUD के नाम से, जहां वो डिसेबल्ड बच्चों को एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वाह। फिल्मों में काम करने के दौरान जावेद खान ने शादी कर ली थी। उनकी बीवी का नाम है शीबा, उनकी दो बेटियां हैं जन्नत और शायस्ता, और दोनों बेटियां फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। आज जावेद खान अपनी लाइफ से बहुत मुतमईन हैं। वो भोपाल में रहते हैं और फिल्मों में कमबैक करना चाहते हैं, अगर कोई अच्छा रोल मिले तो। ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।